विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी अपने आप को कम नहीं आंक रही है। हर कोई अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगा हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चुनाव प्रचार के चलते भाजपा नेता भारत भूषण कपूर एवं उनके समर्थकों द्वारा इब्राहिम मंडी के सामने एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संबोधित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की और मतदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सम्मानित मंच पर जिनका नाम ना ले सका और यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो यही कहूंगा किया तो ही आपने अपना वोट रूपी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज फिर इस लोकतंत्र के उत्सव में, जिससे कुछ दिन बाद दीपावली का पर्व है, उस पर्व से पूर्व हम इस लोकतंत्र के बड़े पर्व के अंदर आपके बीच में आए हैं और पुनः एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो करनाल से विधायक भी हैं, वह आपके बीच पुनः प्रत्याशी बनकर के आए हैं। वोट आप जरूर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन उस वोट का जीत का जो अंतर है, वो अंतर इस बार बड़ा हो, वो अंतर पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा हो, उस मद्देनजर हमने काम करना है। उस नाते से हमें करना क्या है, दो बातें रख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। त्योहारों का दिन है और सोमवार वर्किंग डे है। त्योहारों के दिन में और वर्किंग डे में 3 छुट्टी, शनिवार, इतवार और सोमवार को वोट वाले दिन अपने कारोबार की, प्रतिष्ठान की सब छुट्टी होती है। तो कार्यकर्ताओं के मन में या जनता के मन में ये भावना ना आए कि मनोहर लाल जी जीत तो जाएंगे ही, भाजपा जीत तो जाएगी ही, क्योंकि सामने कोई विपक्ष नहीं है, हमने अच्छे काम किए हुए हैं, जनता का मूड बना हुआ है, हम वोट दे रहे हैं। लेकिन उस जीत का अंतर बड़ा हो, वो वोट का प्रतिशत बढ़े, वो मार्जिन बढ़े, उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए आज हम सब लोगों का ये दायित्व है, हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि हम इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, वोटिंग को बढ़ाने के लिए अपने सभी इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, करनाल शहर में रहने वाले, क्योंकि आप सब लोग स्थानीय निवासी हैं, उस मतों के जो अंतर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करें कि उस दिन का मतदान वो सबसे ज्यादा रहे। लोकतंत्र के पर्व में यह संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आपके एक एक मत की जिम्मेवारी, आपके एक एक मत का योगदान इस जीत को और बड़ा करेगा। हमारे बीच में जनता पार्टी की ओर से यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अमित राणा जी भी उनके साथ पहुँचे हैं, युवा मोर्चा के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विधानसभाओं में से करनाल का जो मार्जिन सबसे बड़ा करेंगे, जो मुख्यमंत्री जी ने आपसे अपील की है, मैं भी मनोहर का नारा जो उन्होंने दिया है, हम सभी कार्यकर्ता, करनाल की जनता आज अपने आप को मनोहर लाल मान करके काम कर रही है। हमारे को जो सरदारी मिली हुई है, आज इस जीटी रोड बेल्ट पे करनाल का ये सौभाग्य मिला है, हम लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें दानवीर राजा कर्म के साथ एक और बड़ी उपाधि मिलेगी। हम सीएम सिटी के बाशिंदे माने जाएंगे। उस सीएम सिटी के बाशिंदे होने का सौभाग्य हमें तभी प्राप्त हुआ है जब आप लोगों ने अपने वोट से मनोहर लाल जी को यहाँ से विधायक चुना है। तो पुनः आपके आगे ये अपील करते हुए कि आप भारी बहुमत से उस दिन मतदान करने के लिए निकले। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।